हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज बताएंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12 का न्यूमेरिकल, किसका? केमिस्ट्री का। ठीक है, देखिएगा, विलयन चैप्टर से न्यूमेरिकल है। देखिएगा, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक कितना है? कितना है? ठीक है, तो मोलर अवनमन स्थिरांक को हम Kf प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हमने सूत्र में लिखा है, अणुभार को m से। ठीक है, बाकी 1000 गुणा करना पड़ेगा। और विलेय, विलेय का वेट कितना है? जिसका मात्रा ज्यादा हो क्या होगा? विलायक होगा। जिसका मात्रा ज्यादा हो क्या होगा? विलायक होगा। और जिसका मात्रा कम वो क्या होगा? विलेय होगा। क्या होगा? विलेय होगा। ये चीज पता हो गया तो आपको कौन है विलायक कौन है विलेय पता हो गया, तो आप रख दीजिए, खट से वैल्यू आ जाएगा। अनुभार निकालना है 1000 गुणते Kf कितना है, अनुमान स्थिरांक दिया है 1.86 गुणते आपका विलेय वेट, वेट कितना है विलेय का 7.5 बटा आपका डेल्टा टीएफ, मतलब आपका जो हिमांक में परिवर्तन हुआ कितना कमी हुई 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस बाद में लगाते हैं। ठीक है, गुणते अब क्या है विलायक का वेट कितना है 75। ध्यान दीजिएगा, अगर हम भाग करें तो 75 एकम 75, लेकिन एक स्थान बाद पॉइंट, क्योंकि एक स्थान बाद पॉइंट लगा था। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, एम बराबर 1000, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिख देंगे तो नीचे 12 हो जाएगा स्वतंत्र। ठीक है, और गुणते 1.86 गुणते 0.1 है। ठीक है, देखिएगा 2 6 12 और 2 5 10, ठीक है, कितना आ गया, अभी और कटेगा 2 3 6 और 2 9 18 और 2 3 6 दो स्थान बाद पॉइंट। ठीक है, अब कटेंगे, कट जाएगा अभी भी 3 1 3 और 3 3 9 और 3 1 3 पॉइंट अपने स्थान पर। ठीक है, अब जब इसका गुणा करेंगे, देखिएगा m बराबर 500 गुणते 10 गुणते 0.31 गुणते 0.1। ठीक है, गुणा करेंगे तो 155 ग्राम प्रति मोल आएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, एक अवाष्पीय पदार्थ में 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर उन्हें स्थान कितना है? 2.67 है। पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए, अनुभार हमें निकालना है। तो चलिए बिना समय गवाए आपको करते हैं। ठीक है, 1000 गुणते Kf कितना है भैया? 2.67 है। गुणते विलेय का वेट कितना है, मतलब जिसका मात्रा कम वो क्या होगा? विलेय होगा। ठीक है, विलेय कितना है 2.5। नीचे आपका डेल्टा टीएफ, मतलब आपका बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक कितना हुआ? 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुआ, इतना परिवर्तन हुआ। ठीक है, गुणते विलायक का वेट कितना है, जिसका मात्रा ज्यादा वो क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, जो अधिक रहेगा वो विलायक, कितना 100 ग्राम। अब काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, तो देखिएगा एम बराबर 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 और ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नीचे बचेगा 4 ही, गुणते 2.67 गुणते 2.5। तो ध्यान दीजिएगा, अगर काटेंगे 2 2 4 2 5 10 2 1 2 5 10 25 हुआ, 25 गुणते 2.67 गुणते 2.5, गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 166.875 ग्राम प्रति मोल आएगा। ठीक है, मात्रक सहित रख के करेंगे इतना आएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।